आनंद सिंह का गढ़ है तो इससे कोई फर्क नहीं है। पीयूष प्रदर्शी क्यों शिक्षित उम्मीदवार है? पीयूष जी बहुत बढ़िया नेता हैं। बाबन यादव यादव तो लालू यादव तो बुराई दिया बिहार के। ललन सिंह ने तो पिछले 10 बरस से हम जीतते आ रहे हैं, आज तक ले कोई काम नहीं किया है। पीयूष भैया हाँ ये सब दुख दूर करवा देंगे। अनंत सिंह तो वैसे है कुछ नहीं करवाए हैं। धानुक समाज के कोई आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है। 25 लाख में अशोक महतो खरीदा मांगता 25 लाख में तो 25 को खरीदवा बैठा ले। हाँ लेकिन वोट देना है। वोट देना पीस भैया के। अनिता देवी आए तो वो क्या किए? वो भी तो अपने विकास किए, पब्लिक के क्या विकास किए? प्रियदर्शी कितने वोट से जीतेंगे? ई कम से कम 4 लाख से जीतेंगे। ललन सिंह से नहीं हो पाएगा ये सब दुख। तो की पत्नी अनिता देवी उनको से भी नहीं सुनेंगे। आनंद सिंह का चुनाव नहीं ना है। हाँ। ये तो है संसद का चुनाव नहीं है। अशोक महतो तो भी है आरजेडी से है। हाँ। उनकी पत्नी लड़ रही है। हाँ तो लड़ रही है। नहीं देना है। धानुक पीयूष प्रत्याशी के साथ है। हाँ। क्योंकि यादव के हम कट्टर दुश्मन है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं ये जानने के लिए कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से दिल्ली की यात्रा कौन करेगा। 3 नेता जो है वो चुनावी मैदान में है। त्रिकोणीय फाइट बनी हुई है। एक तरफ निर्दलीय उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी हैं तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से अशोक महतो की पत्नी अनिता महतो को अनिता देवी कहे या फिर महतो कहे उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और इंडिया गठबंधन से ललन सिंह पर जेडीयू ने फिर से भरोसा जताया है। त्रिकोणीय फाइट हो रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी सब पे भारी पड़ रहे हैं और ललन सिंह ने भी अंत समय में अनंत सिंह को बाहर निकलवाया गया है ताकि वो ललन सिंह के पक्ष में वोट मांग पाए। मुकामा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर अनंत सिंह का गढ़ कहा जाता है। लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अब अंतिम दौर में है चुनावी प्रचार। कौन कौन आया मिलने? बहुत सा आया सर। सब मिलने आ गए हैं। सब मिलने आ गए। ललन सिंह आ गए, अशोक महतो, अशोक महतो आ गए, पीयूष प्रियदर्शी आ गए। वोट किसको देना है? पीयूष प्रियदर्शी के। क्यों? क्यों अनंत सिंह तो वैसे है कुछ नहीं करवाए हैं। मेरा तो यहाँ स्कूल है सरकारी है तो मास्टर तो सुनबे नहीं करता, बच्चा के भगा देता है। कोई कानून कार्रवाई हो भी नहीं किया सर। मास्टर सुनबे नहीं करता है। कोई नहीं सुनता है। जाता है आता है कुर्सी पर बैठल रहता है, किटिस लड़ते रहता है। कोई सरकार कोई सुनबे नहीं करता, उसको दबाव ये नहीं देता है मास्टर। प्रियदर्शी आएंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ ये सब दबाव देंगे पीयूष भैया। हाँ ये सब दुख दूर करवा देंगे। सब दुख दूर करवा देंगे। सब दुख दूर करवा देंगे। ललन सिंह? ललन सिंह से नहीं हो पाएगा ये सब दुख। तो की पत्नी अनिता देवी उनको से भी नहीं सुनेंगे। हाँ वो तो कह रहे पूरा माहौल बन गया अशोक उनका माहौल कहाँ। बहुत जगह तो अशोक महतो के तो खाता नहीं खुल पाएगा। अशोक महतो का खाता नहीं खुल पाएगा। हाँ बहुत गाँव में नहीं खुलेगा उनका। उनके साथ तेजस्वी यादव खड़े हैं, उससे क्या दिक्कत है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीयूष प्रियदर्शी कितने वोट से जीतेंगे? ई कम से कम 4 लाख से जीतेंगे। 4 लाख से जीतेंगे। 4 लाख से जीतेंगे। गढ़ है अनंत सिंह का। अनंत सिंह का गढ़ है तो इससे कोई फर्क नहीं है। ये आगे बीच में ये टंगा लड़ाने के लिए, नहीं तो छोटे सरकार पहले जीतते थे लेकिन ये अपना इनका तीर छाप का वोट ये बनाने के लिए ये पहुँच गए हैं। हाँ। अनंत सिंह के लिए सम्मान है लेकिन वोट नहीं देना है। वोट नहीं देना। अनंत सिंह क्या बोले कि हम वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। हाँ। हम आए हैं छूट के आए हैं। हाँ। जनता से मिलने के लिए। अच्छा। आए हैं पीयूष भैया के। किसको देना है जी वोट? पीयूष प्रदर्शी क्यों? शिक्षित उम्मीदवार है। शिक्षित उम्मीदवार है। हाँ निर्दलीय नेता है। अच्छा ललन सिंह? ललन सिंह तो पिछले 10 बरस से हम जीतते आ रहे हैं, आज तक ले कोई काम नहीं किया है। अशोक महतो? अशोक महतो तो भी है आरजेडी से है। उनकी पत्नी लड़ रही है। हाँ लड़ रही है। नहीं देना है। क्यों? क्योंकि यादव के हम कट्टर दुश्मन हैं। क्या नाम हुआ? रामचंद्र महतो। महतो? हाँ अरे तो अशोक महतो भाई 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 कैसे है? महतो जी महतो को वोट नहीं करेगा। नहीं वो कुर्मी महतो है, हम धानुक महतो है। अच्छा धानुक महतो है, कुर्मी महतो है। हाँ बस महतो मैच कर रहा है ना। बस महतो मैच कर रहा है। कुर्मी और धानुक का खेल हो जा रहा है। हाँ। तो धानुक किसके साथ है? धानुक पीयूष प्रत्याशी के साथ है। हाँ। इटाल क्षेत्र है पूरा। हाँ। तो ये तो कहा जाता है कि अनंत सिंह का गढ़े है, वहाँ खड़े हो जाते हैं। अनंत सिंह तो एक तरफा वोट आता है। तो अनंत सिंह का चुनाव नहीं ना है। हाँ। ये तो है संसद का चुनाव नहीं है। ललन सिंह में अनंत सिंह को देंगे भले, देखा जाएगा समय आएगा तब। लेकिन इस बार? इस बार तो पीयूष प्रदर्शी को जाएगा। पीयूष प्रदर्शी को जाएगा। हाँ काम करेंगे। काम करेंगे। जीत कर भाग गए तो भाग कैसे जाएंगे? हाँ। पकड़ के लाएंगे उनको। पकड़ के काम करवा पकड़ के लाएंगे। हाँ। भाई हैं तो कहाँ भाग के जाएंगे? अच्छा, भाई है। हाँ तो काम करेंगे। काम करेंगे। हाँ।
लगता है कि काम करेंगे जी? आए काम किसको वोट देना है? हमको हो गया उसमें ना आप। अच्छा तब बताइए ना किसको वोट देना है? पीयूष जी के देना है। पीयूष जी को देना है? क्यों? अशोक में तो की पत्नी खड़ी है, क्योंकि यहाँ हमारे मतलब पटना क्षेत्र में बेरोजगार बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, और जो पढ़े लिखे लड़का लड़की हैं कोई उनको मतलब कि जो है आरक्षण नहीं है, और धानुक समाज के कोई आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है। पीयूष जी बहुत बढ़िया नेता हैं, सबके रोजगार वो देंगे, वो देंगे देंगे। पीयूष जी बढ़िया नेता है, सबको रोजगार देंगे। कहाँ से हैं बाबा? पालाजपुर गाँव राजू महतो। किसको इस बार? पीयूष भैया। पीयूष भैया क्यों? क्योंकि काम हम सब दिए, सब दिन दूसरे के कि अपने के धोगा को तो फायदा करेगा। हाँ, सब दिन क्या किए हैं? जैसे बाब हन यादव, हाँ। यादव तो लालू यादव तो बुराइए दिया बिहार के, हाँ। लड़ाइए दंगा करवा के। आप कौन जाते हैं? धानुक महतो। आप एकदम धानुक एक तरफा है? एक तरफा, हाँ। आओ सब एक तरफा, हम ही कहार है बेलदार है सब एक तरफे हो गया अब। सब एक तरफा, हाँ, जितना है सब एक तरफा, दलित महादलित सब आवेगा। अशोक महतो कह रहे हैं कि कोई कहीं आओ 25 लाख में अशोक महतो खरीदा माग तो 25 लाख में तो 25 को खरीदबा है, हाँ। तो वो होबो है उसे होले है, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। 17 साल जेल में रह लै, ओकर बाद वह अलो है इलेक्शन लड़े वो जल्दी। अशोक महतो कह देंगे वोट, अपन समझवा के देंगे कि केकरो डर नहीं है। अशोक महतो की कोई महतो कोई भी अतो डर केकरो नहीं है, सब समान धानु देतो अपन समाज के कोई मन, हाँ कतनो कोई अतो लड़ते तो लड़ते, लड़ल कुल बैठल यहाँ, हाँ, हाँ, बैठल है, हाँ। लेकिन वोट देना है? वोट देना पीयूष भैया के। पीयूष भैया को, हाँ। क्या नाम हुआ? सुभाष महतो। सुभाष महतो, महतो मतलब धानुक महतो। धानुक महतो किधर जाएगा इस बार? किधर? इस बार पीयूष पे, पीयूष पे काम कर रहे हैं कि ऐसे ही पीयूष पे जाति के हैं तो पीयूष पे काम करेंगे? पीयूष इनको हम इतना दिन से बैठाइए, क्या किया है ये? क्या क्या किए हैं बताएंगे? यही ना बताएंगे क्या किए हैं कि पूरा विकास किए? क्या क्या किए हैं विकास? कहते हैं कि सड़क, वो अपना विकास किए हैं, अपना किए हैं वो, किए हैं विकास, लेकिन अपना है। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी, अनीता देवी आए तो वो क्या किए? वो भी तो अपने विकास किए हैं, पब्लिक के क्या विकास किए? तो किसको वोट दीजिएगा? पीयूष के। जीत के कम चले गए तो है, जीत के चले गए तो जाति तो है कम से कम, जाति है, हाँ। काम करवा लीजिएगा, हैं? काम करवा लीजिएगा। करेंगे नहीं करेंगे तो फिर देखेंगे, हाँ। फिर 5 साल इंतजार करेंगे, हाँ। लेकिन वोट देंगे, हाँ। कहीं इन्होंने नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ विश्वास है पक्का। जीतने के बाद काम करेंगे, हैं? जीतने के बाद काम करे, हाँ। चाहे अपना नाम करे या ना करे, वोट देंगे, देंगे जाति के नाम, हाँ, हाँ। एक वोट जरूरी, एक बार देंगे चांस, हाँ, एक बार चांस जरूर जरूर देंगे जी बिल्कुल। तो देखिए बिहार जाति आधारित राजनीति पर चलती है, बिहार को अगर जाति से हटा दिया जाए तो रंग अधूरे लगेंगे। और अब मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का माहौल ऐसा है कि पीयूष प्रियदर्शी सब पर भारी पड़ रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों का इस बार बोलबाला है, पूर्णिया की बात करें, सिवान की बात करें, काराकाट की बात करें, चाहे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, निर्दलीयों का बोलबाला है। और इस बार भी यहां पर दो बड़े उम्मीदवारों पर, दो पार्टियों, दो गठबंधन के बड़े उम्मीदवारों पर पीयूष प्रियदर्शी निर्दलीय होकर अकेले ही भारी पड़ रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।